हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है फिल्टर करना और सॉल्ट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फिल्टर और सॉल्टिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए, हमने ये एक टेबल बना ली है। यहाँ पे नेम है, डिपार्टमेंट है, जोन है, सैलरी है। ठीक है, अब होम पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिल्टर एंड सॉल्ट। ठीक है, मान लीजिए हम एम्प्लॉई नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं और कहाँ करते हैं फिल्टर और सॉल्ट क्लिक करते हैं। अब देखिए, कह रहा सॉल्ट टू ए टू जेड। ए टू जेड मतलब ए से लेके जेड तक, या सॉल्ट जेड टू ए मतलब जेड से ए। ठीक है, तो हमने कहा कि जेड से ए सॉल्ट करें। ठीक है, अब देखिए ये एक वार्निंग ले आया है। क्या कि हमने जो सेलेक्ट किया है डेटा, अब सॉल्टिंग को पता चल गया है एक्सेल में कि जो हमने सिलेक्शन लिया है उसके बगल में भी डेटा है। तो कह रहा कि आप अपना सिलेक्शन जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। तो हमने कहा नहीं, जो सिलेक्शन हमने किया है उसी से सॉर्ट करेंगे। जैसे सॉर्ट करते हैं तो अब देखिए, अब जेड से ए की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका अल्फाबेट लिखा है, तो सबसे बड़ा क्या है, वी, फिर एस, फिर एस, फिर आर, 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 पी, डी, फिर ए। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, डबल ए, क्योंकि इसमें दो ए आया है, फिर ए के ए एम। ठीक है, तो इसने क्या किया, सॉर्ट जेड टू ए। ठीक है, अगर आप फिर इसको ए टू जेड करना चाहते हैं तो फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, सॉल्ट पे जाएंगे और सॉल्ट ए टू जेड। फिर वही पूछेगा कि आपको सिलेक्शन एक्सपेंड करना है कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, हमें जो सिलेक्ट हमने किया है उसी पे काम करना है। ओके, और सॉल्ट। तो अब पहले पूरा ए, फिर डी, फिर पी, फिर आर, फिर एस, फिर वी। तो ये क्या हो गया, पहले हो गया आपका जेड टू ए, फिर ए टू जेड। ठीक है, नंबर भी सॉल्ट हो सकता है। आइए यहाँ पे कुछ नंबर हम लोग लिख लेते हैं, 100, 200, 300, 500, 900, 1000 और 1500। ये हमने कुछ नंबर लिख लिए हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कहाँ आ जाते हैं, सॉल्ट पे। अब देखिए, अब क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस पे ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अल्फाबेट, तब क्या लिखा है, ए टू जेड। ठीक है, और मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ नंबर को, तब क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ लिख ही दिया है। हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक करेंगे। और देखिए, अब जो हमने सिलेक्शन किया था ना, इसके अगल बगल कोई डेटा नहीं मिला है। ठीक है, एक्सेल में सॉल्ट करते समय सॉल्ट फंक्शन को इसके अगल बगल कोई डेटा नहीं मिला, तो उसने हमसे वो वार्निंग नहीं पूछी। ठीक है, तो हमने जैसे किया, क्या किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, 1500, फिर 1000, फिर 900, फिर 500, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सॉल्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला इसमें क्या लिखा, फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है, मान लीजिए ये इम्प्लॉई का नेम दिया है। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिल्टर पे जाते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो यहाँ पे एरो बन गया है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए, हम कहते हैं हमें कुछ ही नाम चाहिए, जैसे आयुष चाहिए, दीपक चाहिए और प्रिंस चाहिए। जैसे ही हम ओके करेंगे तो सिर्फ आयुष, दीपक और प्रिंस का डिपार्टमेंट, जोन और सैलरी आ गया। ठीक है, ऐसे फिल्टरिंग आप सब पे कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको सैलरी वाइज करना है तो सैलरी पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, अब सैलरी पे भी आपका हो गया है। ठीक है, देखिए सैलरी पे है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, फिल्टर किए गए, अब सेलेक्ट हटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 35,000 सैलरी वाले चाहिए। ओके, तो 35,000 सैलरी सिर्फ दो लोगों की है, एक अभी की, एक सोनू की। तो 35,000 सैलरी हमने कर लिया। ठीक है, आप सैलरी से नहीं करना चाहते, पूरी सैलरी लेना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल करिए, ओके, सब आ जाएगा।
आपको जोन से करना है तो हम सेलेक्ट ऑल हटा के, जब भी आपको फिल्टर करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल हटाना पड़ेगा, और फिर जो आपको क्राइटेरिया दिया होगा, हमका सिर्फ नॉर्थ चाहिए, ओके। तो नॉर्थ में जितने लोग काम करते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट के हो, चाहे जो नाम हो और चाहे जो सैलरी हो, ठीक है, वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फिल्टर क्या किया है, सिर्फ नॉर्थ, ठीक है। डिपार्टमेंट, अब वही तीन डिपार्टमेंट दिखाएगा जो आपके टेबल में सॉर्ट होके आई है, एचआर, अकाउंट्स और सेल। एचआर तीन बार है पर तब भी एक ही बार दिखाएगा, एचआर, अकाउंट और सेल। आप इसमें भी आप चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं, हम कहें सिर्फ अकाउंट चाहिए। तो आकाश अकाउंट्स और नॉर्थ जोन का है, अगर आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे जोन में, ओके कर देंगे, तो जितने अकाउंट डिपार्टमेंट है चाहे जिस जोन के, वो सब आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज क्या सीखा, सॉल्ट और फिल्टर, ठीक है दोस्तों, कि सॉल्ट क्या होता है और फिल्टर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।